जंगल गुलजार है और इस ऑस्ट्रिच ने अपने अंडों की हिफाजत करने शुरू कर दी है, क्योंकि जंगल की दुनिया में जन्म लेने के बाद ही नहीं बल्कि जन्म लेने के पहले से ही खतरों से दो चार होना पड़ता है, और इसमें जीतता वही है जो हर वक्त चौकन्ना रहता हो और अपने दुश्मनों पर नजर रखता हो। अब ये ऑस्ट्रिच अपने एक एक अंडे को दुश्मनों से बचाने में जुटा है, और इधर दुश्मनों की नजर ऑस्ट्रिच के अंडों पर पड़ चुकी है। इस बात को समझने में ऑस्ट्रिच ने जरा भी समय नहीं गंवाया और उसने दुश्मन को अंडों से दूर रखने का प्लान तैयार कर लिया। अगर शिकारी अंडों के पास आकर गिरता है तो फिर अंडों को भी खतरा है, लिहाजा ऑस्ट्रिच ने शिकारी को दूर रखकर अपने अंडों को बचाना ही मुनासिब समझा। जंगल में दुश्मन केवल सामने दिख रहा हो ये जरूरी नहीं, अब इस हाइना के खिलाफ भी ऑस्ट्रिच ने मोर्चा खोल दिया है। दोनों के बीच जंग जारी है, लेकिन चालाक हाइना मादा शुतुरमुर्ग को अपने पीछे दौड़ाते हुए दूर तक ले जाता है, और इधर दूसरा हाइना शुतुरमुर्ग के अंडों पर अपना हाथ साफ कर चुका होता है। जंगल की दुनिया बड़ी ही बेरहम होती है, जहां खतरा हर तरफ से होता है, और जब किसी तरह से ऑस्ट्रिच दुश्मनों से अपने बचे हुए अंडों की रक्षा कर लेता है तब वो वक्त भी आता है जब उसके बच्चे अंडों से बाहर निकल आते हैं। ऑस्ट्रिच के जोड़े के लिए अब चुनौती ज्यादा बढ़ गई थी, अब उन्हें अपने बच्चों को बचाने की फिक्र ज्यादा होने लगी।